तो आज के टॉपिक में हम यही बात कर रहे हैं, कौन से पहला लासा बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। मैंने आपको हिंट पहले ही दे दिया, बायोडाइवर्सिटी का हमने एक एक सब पार्ट डिस्कस किया, बायोडाइवर्सिटी कितने लेवल की होती है, कितने क्या पैटर्न है बायोडाइवर्सिटी का, राइट। देन वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट अल्फा बीटा एंड गामा डाइवर्सिटी, ठीक है। उसी के कंटिन्यूशन में हम बात कर रहे हैं लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, राइट। ये सबसे बड़ा थ्रेट है ह्यूमन एग्जिस्टेंस को, क्योंकि डाइवर्सिटी का अगर लॉस इस रेट पे होता रहा तो एट द एंड ऑफ द डे ह्यूमन बीइंग का सर्वाइवल ही थ्रेटेंड है, ठीक है। वो कैसे आप कहोगे ह्यूमन बीइंग का, बिकॉज वी आर ओमनीबोर, वी आर द लास्ट, ठीक है, कौन से ऑन द स्केल ऑफ फूड चेन, राइट। और आपको पता है कि इस दुनिया में फूड चेन के थ्रू, ठीक है ना, इकोसिस्टम में हर ऑर्गेनिज्म इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे को, ठीक है। तभी तो डीप इकोलॉजी, एक तो किसकी बात कर रही है, डीप इकोलॉजी। डीप इकोलॉजी यही कहते हैं कि लेट्स अप्लाई व्हाट बायोसेंट्रिक अप्रोच टू दिस नेचर रादर देन ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच, जो कि ट्रेडिशनल कहा जाता है। ट्रेडिशनल ये बिलीव किया जाता है कि नेचर, ये क्रीचर्स, ये ऑर्गेनिज्म, राइट, ये आदमी के लिए ही बनी है नेचर, उसके यूज़ के लिए, राइट। तो इस लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में हम ये बात करेंगे कि कितने कितने, यू नो, एज पर द डेटा, ठीक है। एक हमारे पास इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसका नाम IUCN है, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन, क्या नाम है इसका फुल, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, राइट। इट इज़ दिस ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिपोर्टिंग द लॉस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, एंड ऑफकोर्स प्रिस्क्राइबिंग द स्ट्रैटेजीज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज भी यही प्रिस्क्राइब करती है। तो इसके मुताबिक, ठीक है, राइट, कि कितने स्पीसीज खतरे में हैं, राइट, इसी ने क्लासीफाई किया है कि देर आर सम, आज की डेट में हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको हम अलग अलग कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं, इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, ठीक है, एक्सटिंक्ट, ठीक है, उस कैटेगरी में ये एनुअली एक लिस्ट पब्लिश करती है जिसको रेड लिस्ट कहते हैं, ठीक है, रेड डेटा लिस्ट, ठीक है। तो दैट्स वाई, राइट, टुडे इट हैज़ बिकम अ वेरी प्रेसिंग इशू, राइट, बिकॉज अल्टीमेटली द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन काइंड हिंजेस ऑन दिस बायोडाइवर्सिटी, एग्जैक्टली। लेट्स राइट ऑन लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, डू आस्क मी क्वेश्चंस, यू नो, बिकॉज दिस टॉपिक इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट कंसिडरिंग द इन्वायरमेंटल इशूज, राइट, बड़े इंपॉर्टेंट इशूज हैं ये। आप कह सकते हो कि ये सारा बायोडाइवर्सिटी क्लास ह्यूमन इम्पैक्ट है इकोसिस्टम के ऊपर, ह्यूमन इम्पैक्ट के सबसे बड़ा खतरा ही लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का किसका है, ह्यूमन बींग, ठीक है। ह्यूमन बींग क्यों खतरा है, क्योंकि ह्यूमंस की जो डिज़ायर्स हैं, राइट, वो बढ़ती जा रही हैं, एंड इट इज़ इन द मैड क्रेज ऑफ डेवलपमेंट, जो कौन से मॉडर्नेशन, राइट, उसके चक्कर में, राइट, ही इज़ किलिंग व्हाट यू कॉल इट नेचर, ठीक है, बाय, यू नो, बाय क्लियरिंग द फॉरेस्ट कवर फॉर एग्रीकल्चर पर्पजेज, द पॉपुलेशन को फीड करना है, राइट, कंस्ट्रक्टिंग, यू नो, टाउनशिप्स, सिटीज, इतने लोगों को वो करना है। तो अल्टीमेटली, राइट, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, राइट, उनकी हैबिटेट्स मतलब जो उनके घर हैं, ठीक है, राइट, वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, वो किधर जाएंगे, ठीक है, वो कहाँ रहेंगे, दिस इज़ द मेन इशू, ठीक है, राइट। हमने पहले भी बात करी है कि इसका मतलब ये नहीं है कि वी शुड कंडेम आवर सेल्फ टू बी इन द, यू नो, बट इन द प्रिमिटिव एज, यू नो, हम आदि मानव जाने, वो नहीं हो सकता, बट येस, राइट, इट इज़ पॉसिबल टू रिकनसाइल द बोथ। रिकनसाइल मीन्स डेवलपमेंट एंड वॉट इकोलॉजी, दे कैन बी बैलेंस्ड, ठीक है, एक ही अप्रोच है, सस्टेनेबल डिवेलपमेंट, ठीक है, ये दोनों को हम बैलेंस कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वी फॉलो द मंत्र ऑफ सस्टेनेबल डिवेलपमेंट विच प्रोक्लेम्स दैट ग्रो रिच बट स्लोली, एग्जैक्टली। लिखे जी, कीपिंग इन व्यू लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, कीपिंग इन व्यू द अनअबेटेड राइज इन द एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, अनअबेटेड को होता है उर्दू में करेंगे मुसलसल, ठीक है, कंटिन्यूइंग, ठीक है ना,